स्वागत तो करो हमारा। तो दोस्तों, सुपरस्टार सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म दबंग 3 का शानदार ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। और दोस्तों, ट्रेलर देखने के बाद सिर्फ एक ही बात कही जा सकती है कि ब्लॉकबस्टर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सुपरस्टार सलमान खान, जो कि इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार है, इनकी इंडिया में जितनी फैन फॉलोइंग है उतनी तो दोस्तों किसी भी एक्टर की आज तक इंडिया में नहीं हुई है। बताया दोस्तों आपको कि सुपरस्टार सलमान खान की इस फिल्म का इंतजार उनके फैंस काफी दिनों से कर रहे थे, क्योंकि दोस्तों इस साल उनकी फिल्म आई थी जो कि बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। लेकिन दोस्तों अब उनकी फिल्म दबंग 3 से उनके फैंस को काफी ज्यादा एक्साइटमेंट थी। और दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म का जो ट्रेलर आया है उसे देखकर एक ही बात कही जा सकती है कि यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 2019 के सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अभी कुछ देर पहले ही सुपरस्टार सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म दबंग 3 का ट्रेलर रिलीज किया गया, जिसमें सुपरस्टार सलमान खान एक बार फिर से चुलबुल पांडे के किरदार में नजर आए हैं। और दोस्तों उन्होंने एक बार फिर से जता दिया है कि मास कंटेंट में तो उनको कोई पीछे कर ही नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस फिल्म के ट्रेलर को लगभग 2 मिनट 58 सेकंड का बताया गया है, जिसमें सुपरस्टार सलमान खान का मासी एक्शन और काफी शानदार डायलॉग मजेदार रहे हैं। दोस्तों इस फिल्म का डायरेक्शन किया है प्रभु देवा ने, जो कि इससे पहले सुपरस्टार सलमान खान के साथ वांटेड जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बना चुके हैं, जिससे कि सुपरस्टार सलमान खान ने वापसी की थी। और दोस्तों अब एक बार फिर से जहां सुपरस्टार सलमान खान की ईद पर रिलीज हुई फिल्में फ्लॉप हो रही थी, वहीं एक बार फिर से अब प्रभु देवा और सलमान खान ने मिलकर दबंग 3 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने का इरादा कर लिया है। बताया दोस्तों आपको कि इस फिल्म के ट्रेलर में जहां सुपरस्टार सलमान खान के काफी अच्छे डायलॉग्स हैं, वहीं दोस्तों इस फिल्म में साई मांजरेकर और सोनाक्षी सिन्हा का किरदार भी काफी आउटस्टैंडिंग है। वहीं दोस्तों इस फिल्म के ट्रेलर में एक चीज सबसे ज्यादा इम्प्रेस करने वाली है, वो रही किच्चा सुदीप की। जी हां दोस्तों, कन्नड़ इंडस्ट्री के सुपरस्टार किच्चा सुदीप इस फिल्म में विलन बनने वाले हैं। और दोस्तों इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद किच्चा सुदीप को भी दोस्तों काफी पसंद करने वाली है। बताया दोस्तों आपको कि इस फिल्म का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो भी काफी शानदार लग रहा है। और दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद इस फिल्म के लिए बॉक्स ऑफिस प्रोडक्शन भी होना शुरू हो चुके होंगे। तो बताया दोस्तों आपको कि लगभग 160 करोड़ के बजट से बनने वाली सुपरस्टार सलमान खान की यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन आसानी से 35 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेने वाली है। वहीं दोस्तों अगर इस फिल्म को रिव्यूज अच्छे आते हैं तो यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी और हो सकता है दोस्तों कि लगभग 350 से 400 करोड़ की कमाई यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कर ले। तो दोस्तों आपको सलमान खान की इस फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा, आप हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और हमारे इस चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हम आपको यहाँ पर बॉक्स ऑफिस और बॉलीवुड की न्यूज देते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।